हाय दोस्तों, अभी मैं आया हूँ बरपेटा जिला के हावली थाने पे। और यहाँ पे खबर मिले थे कि यहाँ पे एक सांप घुसा है, जिस सांप को एक्चुअली तंग किया गया था आपका जो हमारे यहाँ पे नेवला कहा जाता है, तो इस नेवला ने उसके ऊपर अटैक किया था। तो फिर मैं यहाँ पे आया हूँ और इस सांप को रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थाने के जो क्वार्टर है तो उस क्वार्टर में ये सांप को देखा गया था। चलिए दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ, पहले सांप को रेस्क्यू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सांप जो नेवले के अटैक के बाद तो जख्मी हो गया है और यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैं सांप को यहाँ से ले लेता हूँ। और ये जो दोस्तों सांप है, ये है इंडियन रेड स्नेक जो बिना जहर का होता है। लेकिन दोस्तों, मैं इसी में सभी दोस्तों को मैं निवेदन करूंगा कि दोस्तों ये सब वीडियो देख के खुद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों सांपों की जानकारी ना होने के कारण आपको कभी भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए चलिए दोस्तों, मैं इस सांप को अभी सही सलामत रेस्क्यू कर लिया हूँ और यहाँ से लेके जाऊंगा, और इसको जो जख्मी है तो इसको थोड़ा इलाज की भी जरूरत होगा, क्योंकि सिर पे बहुत ज्यादा चोट आए हैं और वहाँ से खून बह रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं इन बेजवा जानवर को मैं यहाँ से लेके जाऊंगा और मैं सुरक्षित जगह पे इनको छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग को बहुत जगह ऐसा पूछा जाता है कि दादा आप ये सांप लेके करेंगे क्या, बेचेंगे क्या। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों हम लोग सांप नहीं बेचते हैं, और हम जो सांप होते हैं इन सांपों को उनके परिवार के हिसाब से हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इंसान इलाका है और यहाँ पे सांप देखा जाता है। लेकिन हम लोग जो इंसान हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो जगह होता है ये जगह पे हम लोग घर बना लेते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, इसका जंगल खत्म कर देते हैं। तो ये जाएगा तो जाएगा कहाँ, तो इसीलिए ये घूम फिर कर उसी इंसानी इलाका पे घुस जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा कि सांपों को रहना जरूरी है, क्योंकि अगर सांप नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई जानवर इसके जगह ले लेगा और फिर इंसानों को अपने घर छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सांप को यहाँ से उठा लिया हूँ और मैं इसको सही सुरक्षित जगह पे छोड़ने चला जाऊंगा। मैं वो भी दिखाऊंगा, पहले हाथ थोड़ा धो लेते हैं, क्योंकि दोस्तों खून बहुत बह चुका था, तो क्योंकि इन्फेक्शन ना हो इसीलिए हाथ को ठीक से धोना भी जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, अभी रिलीज कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी रात का मौसम है, बारिश भी है, बहुत तेज बारिश, तो इसीलिए मैं दिन में सो नहीं पाया, तो अभी रातों को ही रिलीज करूंगा, क्योंकि दोस्तों बारिश के कारण निकलना थोड़ा मुश्किल है, चारों तरफ पानी पानी हो गया है। तो चलिए मैं रिलीज कर देता हूँ अभी दोस्तों। देखिए, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कितना खूबसूरती के साथ ये सांप अपना परिवार के हिसाब से यहाँ पे रह लेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और जो मेरा इस चैनल में नया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को हौसला बढ़ता है और दूसरे कुछ नया करने की कोशिश रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।